नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 27 नवंबर 2020 के सारे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारी चीजें हम देखेंगे, फटाफट पेपर का एनालिसिस भी करेंगे। और दोस्तों, जितने प्रश्न पूछे गए वो सारी चीजें, क्वेश्चन जो जो पूछे गए हैं पूरी शिफ्ट के अंदर आपके साइंस के, जनरल स्टडी के, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सारी चीजें देखें। और क्या जा सकता है कट ऑफ, ठीक है, दिल्ली कांस्टेबल का कट ऑफ क्या जा सकता है, तो पूरी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए, जो प्रश्न पूछा गया था दिल्ली कांस्टेबल में 27 तारीख के, 27 नवंबर 2020, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। उसके अगला प्रश्न पूछा गया था, 2022 में फीफा विश्व कप जो है उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? कतर करेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, सीबी ने अविज्ञान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ध्यान रखिए, 1930 1930 में चालू हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कौन है? राम निवास गोयल है। अगला प्रश्न विज्ञान से पूछा गया था, पानी का तापमान कितना होता है? तो ध्यान रखिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, उसका घनत्व सबसे अधिक। अगला प्रश्न पूछा गया है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, मतलब टिश्यू है? तो ध्यान रखिए, संयोजी ऊतक है, दैट मीन्स क्या, कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं हम, ठीक है, ब्लड को। देन अगला प्रश्न पूछा गया, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, ध्यान रखिए, तो ध्यान क्या था, बलदेव सिंह। किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध है? तो ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी पर है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, फिफ्थ फर्स्ट का क्वेश्चन है ये। देन अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेटेड एसएमपीसी का पूर्ण रूप होता है? तो ध्यान रखिए, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है, फुल फॉर्म इसका पूछा गया था कंप्यूटर से, 10 क्वेश्चन आना है, ध्यान रखिए फुल फॉर्म एक जरूर आएगा सारे पेपर में, तो फुल फॉर्म जरूर पढ़ के जाइए जिनका भी पेपर बचा है। उसके बाद पूछा गया था, सोने को साफ करने के लिए किस प्रकार का रासायनिक उपयोग करा जाता है? तो ध्यान रखिए, सोना जो है गोल्ड को साफ करने के लिए एक्वारेजिया जो है उसका प्रयोग करते हैं हम क्लीनिंग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी पर स्थित है हड़प्पा सभ्यता। इसके अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिए, 28 फरवरी। देन एक क्वेश्चन था, 42वां संविधान संशोधन से पूछा गया था। देन अगला, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, तो वहां पर 120 दिन था, तो ध्यान रखिए 120 आएगा। देन डायमंड और ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन के एलोड्रॉप से, ध्यान रखिएगा, डायमंड और ग्रेफाइट, विज्ञान से क्वेश्चन था बच्चों। एमएसपी का पूर्ण रूप होता है? तो ध्यान रखिए, न्यूनतम मिनिमम समर्थन मूल्य होता है। 1993 में दिल्ली के सीएम कौन थे? तो ध्यान रखिए, इतिहास का क्वेश्चन दिल्ली से आ गया, ध्यान रखिए मदन लाल खुराना थे। देन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देखिए, एक क्वेश्चन मैंने कंप्यूटर से फुल फॉर्म का बताया आपको, तो ध्यान रखिए एक क्वेश्चन फिक्स हो गया, और एक क्वेश्चन विज्ञान से फॉर्मूला का आएगा ही सही, ध्यान रखिएगा, प्लीज नोट डाउन, सारे फॉर्मूला रट के जाइएगा, मगअप कर लीजिएगा, कुछ पढ़ लीजिएगा, इसकी ट्रिक में मैंने डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लीजिएगा। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा था, CaSO4 1/2 H2O। अगर यहाँ पे जिप्सम पूछते तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे CaSO4 2H2O हो जाता, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता, 2H2O, बट यहाँ पर पूछा गया POP, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो क्या होता है, 1/2 H2O। देन अगला प्रश्न पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट का है, दांडी मार्च की शुरुआत कहां से हुई थी? तो ध्यान रखिए, साबरमती आश्रम जो है वहां से चालू हुई थी दांडी मार्च। कथक नृत्य कहां पर? उत्तर प्रदेश में। फिर CAG अनुच्छेद आर्टिकल कौन से इसमें दे रखा है? ध्यान रखिए, 148 में दोस्तों। फिर अगला प्रश्न, चौथी बौद्ध परिषद जो है संगति कहां हुई थी? कश्मीर में हुई थी। उपराष्ट्रपति पेदन अध्यक्ष होता है किसका? राज्यसभा का, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल से भी क्वेश्चन आया, अभी पूरा एनालिसिस देखेंगे कि कहां से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और अब जिन बच्चों का पेपर बचा है तो उन्हें कितना, कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, मेरी पॉसिबिलिटी देखिए।
अगला क्वेश्चन है, जैसे शीतकालीन ओलंपिक 2024 ध्यान रखिएगा, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में होगा। नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो किसको मिला 2020 में, ध्यान रखिएगा वर्ल्ड फेयर प्रोग्राम को मिला गया है। टी20 विश्व कप 2016 किसने जीता था, देखिए वेस्ट इंडीज ने। इस करंट अफेयर का पुराना क्वेश्चन भी पूछ लिया है एग्जाम में, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आया था प्लेइंग इट माय वे, किसकी आत्मकथा है, तो ध्यान रखिएगा सचिन तेंदुलकर की है आत्मकथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया एग्जाम में, जम्मू कश्मीर के नए गवर्नर कौन है, तो ध्यान रखिए मनोज सिन्हा है। फिर देखिए इतिहास पास्ट से पुराने करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछ गया है, किसने जीता था आईपीएल 2008, तो राजस्थान रॉयल 2008। अगला क्वेश्चन, अकबर ने किस धर्म की शुरुआत करी थी, ध्यान रखिए दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करी गई थी। बिहू जो है नृत्य है कहाँ का है, तो ध्यान रखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहा है, असम। ठीक है, सेविंग द इंडियन सेवर है उर्जित पटेल की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा लेखक है 24वें आरबीआई के गवर्नर थे। अधिकतम राज्यसभा की सीटें कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी यहीं पे, बच्चों ध्यान रखिए आप। सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो ध्यान रखिए सिक्किम राज्य की है भारत में। ठीक है, तो ये तो आईएमपी क्वेश्चन हो गए, अब मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा एनालिसिस बता देते हैं हम। देखिए जीएस के टोटल 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से करीब 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी से बच्चों 5 से 7 क्वेश्चन, पॉलिटिक्स से भी 5 से 6, इकोनॉमिक्स से भी 5 से 6 क्वेश्चन, और तो सबसे बड़ा वेटेज 2 सब्जेक्ट का है, तो ध्यान रखिएगा विज्ञान का है, 10 से 12 क्वेश्चन इजी और मॉडरेट लेवल के पूछे जा रहे हैं, जिस जो आप बना देंगे, जो नॉर्मल पढ़ लीजिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि जो फैक्चुअल जो रहेगा वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। करंट अफेयर के 15 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा जीएस में आपको सबसे पहले साइंस और करंट अफेयर अगर कंप्लीट करते हैं, या जनरली जो आईएमपी आईएमपी चाहिए, मतलब बहुत ही इजी पूछा गया, सबसे पहले जनरली क्या वो सीएम और गवर्नर कौन कौन है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान रखिए करंट अफेयर वो पढ़ लीजिएगा, साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर उसका ज्योग्राफी और पॉलिटी इनके जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये पूरा आपका जीएस के 50 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। अब पेपर का एनालिसिस और देख लेते बच्चों, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन आए, मिरर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सीरीज जो है 4 से 5, अल्फाबेट सीरीज जो है कोडिंग डिकोडिंग जिसे हम कहते हैं 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए वहां से, स्टेटमेंट कंक्लूजन से 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन है, ऑड इवन जो नंबर रहते हैं, इवन आउट जो रहते हैं, और मिस्टेरियस से 7 से 8 क्वेश्चन। तो ले देखे रीजनिंग भी इजी पूछी जा रही है, करीब 22 आप क्वेश्चन आराम से बना दें। ठीक है, कट ऑफ भी देख लेते हैं इसका, कंप्यूटर में मैंने आपको बोल दिया है एक फुल फॉर्म जरूर आ रहा है, और साइंस में एक फॉर्मूला जरूर आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके 2 नंबर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो देखते हैं रीजनिंग में, अगर आपने अटेम्प्ट करे 22 से 24 क्वेश्चन, दैट मींस बहुत अच्छा लेवल है। जनरल नॉलेज के 34 से 38 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आइए, नंबर सीरीज जो है 11 से 13 क्वेश्चन आपके आराम से ही होंगे, और कंप्यूटर के 7 से 8, मतलब अगर इसका अगर एवरेज अगर मैं निकालता हूं बच्चों, ठीक है, तो कट ऑफ आपका 100 में से 74, ठीक है, 27 तारीख के शिफ्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो 74 से 78 तक इसका कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, इसके बीच में ही जाएगा, तो ये पूरा कट ऑफ में एनालिसिस कर दिया गया है। अब जैसे भी अगर आगे शिफ्ट के जो से पेपर होंगे, तो उसका भी एनालिसिस में जरूर लाऊंगा, और फिर एक ओवरऑल जो एनालिसिस रहेगा वो लास्ट में रहेगा, जो सारी शिफ्ट के अलग अलग में एनालिसिस कर बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जिन जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।